स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो आज का हमारा है, ये टॉपिक हमारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हमारे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल क्या होता है हमारा? ओव्यूल होता है हमारा जो फीमेल प्लांट में, फ्लावर में जो फीमेल का गैमेट होता है उसे हम ओव्यूल कहते हैं, जिसे हम मादा बीज भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा, हम जो हमारी सोसाइटी है, कॉलेज में जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, वो लड़कियों की वैरायटी बना देते हैं कि ये जलेबी जैसी है भाई सब, बड़ी आड़ी तिरछी सी, ये हमारी इमरती जैसी है, ये हमारी गाय जैसी बिल्कुल सीधी लड़की है। तो ऐसे हम हर एक किसी लड़की के अलग कैटेगरी में, किसी भी पर्सन को एक कैटेगरी में डाल देते हैं उसे करेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पर। ऐसे ही हम फीमेल जो गैमेट ओव्यूल है उसको भी उसे करेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पर हम उसको छह ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो ओव्यूल है उस ओव्यूल में तीन वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, स्पेशली दो, एक ये वाला एंड, माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस। ऐसे में जो ओपन वाला है माइक्रोपाइलर फ्यूनिकुलस, ओपन वाला माइक्रोपाइलर फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइलर फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइलर फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइलर फ्यूनिकुलस। जो डंडी है, ये डंडी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये है हमारा फ्यूनिकुलस। जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर। तो आपको ये बेसिकली दो चीजें ध्यान रखनी है। और ये जो एंड होता है, जहां पे हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ होगा, इसके इस वाले एंड को बोलते हैं चलाजल, जिस तरीके से इधर ओपनिंग वाले एंड को बोलते हैं हम माइक्रोपाइलर एंड। समझ में आई? तो हमारे ये छह प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे पहला आता है वो आता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का जो दूसरा नाम होता है वो एट्रोपस ओव्यूल भी होता है। आपकी 12th क्लास के एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही टाइप है और वो है एनाट्रोपस, जो मैक्सिमम पाया जाता है, बाकी के टाइप आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये एनसीईआरटी से हटकर नीट का टॉपिक है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नीट के मद्देनजर। इसमें अगर हम देखें तो ऑर्थोट्रोपस कौन सा होता है, इसमें आप देखो माइक्रोपाइलर एंड भी, आपका चलाजल एंड भी, और आपका फ्यूनिकुलस भी एक लाइन में रहे, इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। तो यही मैंने लिखा है माइक्रोपाइलर चलाजल फ्यूनिकुलस लाइजिंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में रहते हैं इसलिए हम इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। और ये दुनिया का सबसे पुराने टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल होता है। किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनियम। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है जो आपको रखने हैं। समझ में आई बात? हमारी एनसीईआरटी में वो है आपका एट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये फ्यूनिकुलस है, ये फ्यूनिकुलस है, और इसके ऊपर ये हमारा ओव्यूल था। ओव्यूल का ये जो बॉडी है, बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल ऐसे करके 180 डिग्री, भाई ऐसा था ऐसा हो गया तो 180 डिग्री टर्न कर दिया। तो अगर ये सीधा था, जैसे 180 डिग्री पर टर्न कर जाए, तो इस टाइप का जो ओव्यूल होता है उसको बोलते हैं हम एट्रोपस ओव्यूल, जिसको हम इनवर्टेड, भाई सीधे जा रहा था अभी उल्टा हो गया, तो इनवर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। इसे मालवेसी और सोलनेसी फैमिलीज में पाया जाता है। अब क्या होता है, ये हमारा ऐसा ऊपर था, ऑर्थोट्रोपस ऊपर था, अब ये हेमी मतलब आधा, ये ऐसे आधा कर्व कर हो जाए, ये आधा राइट एंगल पर हो जाए, तो ये हेमीट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है ना, अच्छे से आप समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व आउट करूंगा। ठीक है ना, तो पॉइंट ये है आपका, ये आपका हेमीट्रोपस ओव्यूल है जो 90 डिग्री पर बैंड कर जाता है, जैसे रेनिनस के अंदर होता है। चौथा जो टाइप का आता है वो आता है कैंपाइलोट्रोपस। कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, आप देखें थोड़ा सा ध्यान दें, एक तरीके से ये हेमीट्रोपस समझो, हेमीट्रोपस है। अब हेमीट्रोपस कैसा है, जिसमें एम्ब्रियो सैक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेड वाला एम्ब्रियो सैक जैसा बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में था, बिल्कुल उसी टाइप का ओवल है, पर जो इसका ये है जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल कर्व कर जाता है। दो तीन बातें ध्यान रखनी है, ये आप देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड और ये चलाजल, ये एक लाइन में नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऑफ प्लेन में नहीं है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, बॉडी ऑफ द ओव्यूल ये कर्व है, और ये कर्व जो होता है, ये कर्व इस तरीके से है कि एम्ब्रियो सैक उसमें बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है। हाँ, अगर इस कर्व में एम्ब्रियो सैक भी अफेक्टेड हो जाए, एम्ब्रियो सैक भी ऐसा कर्व कर जाए, ओवल सा हो जाए, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल यही वाला इधर मान ली, तो इसमें एम्ब्रियो सैक भी अगर ओवल सा हो जाता है, कर्व हो जाता है, हॉर्स शू ओवल तो होता ही है, ओवल से हॉर्स शू शेप यानी वो कर्व ऐसा हो जाए, ओवल से चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोट्रोपस, जैसे पैपिलर में पाया जाता है। कैंपाइलोट्रोपस जिसमें एम्ब्रियो सैक अफेक्टेड नहीं होता है, एम्ब्रियो सैक वो भी पाया जाता है क्रोसी पैरा में।
और जिसमें एम्ब्रियो सैक भी कर्व कर जाता है, यानी कैम्पाइलोट्रोपस के एडवांस स्टेजेस में हमारा एम्ब्रियो सैक भी कर्व कर जाता है, हॉर्स शू शेप हो जाता है, वो कहलाता है हमारा एंटीट्रोपस, जैसे पेपर वर्ड में पाया जाता है। अब क्रिस्टिनोट्रोपस, क्रिस्टिनोट्रोपस में क्या था हमारा, ये ऐसे हो रहा था, आप समझ रहे हो ना, मतलब ये हमारा क्यूनिकुलस, ये हमारा आगे, ये हमारा ऑर्थोट्रोपस का, ये हमारा ऐसे मान लीजिए, ये हमारा बॉडी ऑफ द ओव्यूल। अब क्या हुआ, ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल ऐसे 180 डिग्री कर्व कर गया, और फिर ये फिर से ऐसे 180 डिग्री कर्व कर गया, तो 180 कितना हो गया 360। तो आपका ये पहले ऐसे कर्व हुआ और फिर ये ऐसे कर्व हो गया, तो पहले नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो अगर 360 कर्व हो जाता है और फ्यूनिकुलस कॉइल हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम, वो हो जाता है क्रिस्टिनोट्रोपस, जैसे ओपुंचिया कैक्टस के जो हमारा जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं इनमें पाया जाता है। मेरे हिसाब से ओव्यूल समझ में आए आपको, एक बार फिर से फटाफट गो थ्रू होते हैं, सीधे सीधे हो गया तो ये हमारा ऑर्थोट्रोपस, 180 डिग्री टर्न कर गया तो एनाट्रोपस, 90 डिग्री कर गया तो हमारा हेमीट्रोपस, 90 डिग्री कर्व किया तो ओव्यूल पर कोई फर्क नहीं हुआ और माइक्रोपाइल एंड थोड़ा सा मुड़ गया, एक लाइन में ना आए, इसमें चलाजर माइक्रोपाइल एक लाइन में आ रहा है, इसमें चलाजर माइक्रोपाइल एक लाइन में नहीं आए तो कैम्पाइलोट्रोपस हो गया, और अगर हमारा एम्ब्रियो सैक भी कर्व कर जाए तो एम्फीट्रोपस, और 180 यानी 360 कर्व कर जाए तो हमारा वो क्रिस्टिनोट्रोपस कहलाता है। बोलो मेरे यारों, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ये आपको, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल कराया है, ठीक है, अच्छे से लगे रहे, फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।